is given and everybody is happy with this land. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है. एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया. The all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad. All were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called. The all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA, now with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है. देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है. और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में. हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है. डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेज्ड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया. लेट अस चैलेंज इंडिया. एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया?
द अदर पीपल कैन यू चैलेंज इंडिया. वी लव अवर मदर मदरलैंड. वी लव, वी आर द पेट्रियोटिक पीपल ऑफ दिस कंट्री. वी आर फॉर यूथ, वी आर फॉर स्टूडेंट, वी आर फॉर फार्मर्स, वी आर फॉर किसान, वी आर फॉर दलित, वी आर फॉर गुड इकोनॉमी, वी आर फॉर द कंट्री, वी आर फॉर द वर्ल्ड. सो आवर चैलेंज विल बी ऑल फोकस, ऑल पब्लिसिटी, ऑल कैंपेनिंग, ऑल प्रोग्राम, इट विल बी अंडर द बैनर ऑफ इंडिया. आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है. ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए. हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए. ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी, और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे.